नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी के दौरे का आज आखिरी दिन है, जहां वो आज हरिद्वार में मौजूद रहेंगे। इस दौरान आज सीएम योगी यूपी सरकार के होटल भागीरथी अतिथि गृह के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे, जिसमें उत्तराखंड के सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि भागीरथी अतिथि गृह में कुल 100 कमरे हैं और जहां से होटल में ठहरने वाले सभी पर्यटक मां गंगा का दर्शन भी कर सकेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ तीन दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो कई कार्यक्रम में शामिल भी हुए, कई आयोजनों में शामिल भी हुए। साथ ही साथ अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो गए थे और वहां पे उन्होंने अपने परिवार के साथ समय भी व्यतीत किया। और आज वो हरिद्वार में रहेंगे, हरिद्वार में कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि यूपी सरकार के होटल भागीरथी अतिथि गृह के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। आज इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ शामिल रहेंगे और साथ ही साथ भागीरथी अतिथि गृह में कुल 100 कमरे हैं, जहां से होटल में ठहरने वाले पर्यटक माँ गंगा के दर्शन भी कर सकेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर रहे, अभी तक किन किन कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और आज जिस तरह से हरिद्वार में रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन दिवसीय दौरे को लेकर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां वो अपने परिवार से मिलते हैं। अब दो दिन के दौरे के हो गए, आज तीसरा दिन है जहां वो अपने परिवार से मिलते हैं। साथ ही साथ वो वहां के नेताओं के साथ बैठक करते हैं। साथ ही आज आपको बता दें कि आज हरिद्वार के अंदर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं जो वहां के कैबिनेट मंत्री है धनपाल सिंह रावत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ समेत उत्तराखंड के दिग्गज एवं बड़े अधिकारी मौजूद होंगे। साथ ही साथ आपको बताएं कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभाजन के समय संपत्तियों का बंटवारा को लेकर आज जो ऐसे कई सारे पेज फंसे थे उस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना, तो आपने देखा कि अलकनंदा गेस्ट हाउस उत्तराखंड के संपत्ति के तौर पर गया। तो वहीं आज आपको बता दें कि आज 21 से 20 साल हो चुके हैं लगभग उत्तराखंड को बने, तो 20 सालों बाद आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के गेस्ट हाउस भागीरथी का शुभारंभ करेंगे। आपको बताएं कि भागीरथी पूरी डीलक्स होटल, पूरे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होटल है, जहां उत्तर प्रदेश के सैलानी या अधिकारी या जो भी उस तबके का होगा वो उस गेस्ट हाउस का उपयोग कर सकेगा। उसमें 100 कमरों में से 80 कमरों को डीलक्स बनाया गया, उसका शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ सिंचाई से जुड़ी ऐसी तमाम परियोजनाओं को लेकर आज मुख्यमंत्री वहां के जो सिंचाई मंत्री है उनके साथ बैठक करेंगे और पानी की समस्या को उत्तर प्रदेश में निर्मम जो वहां गंगा नदी आती है उसको निर्मल एवं स्वच्छ बनाने के लिए भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरिद्वार जब दोपहर बाद पहुंचे अपने परिवार के लोगों से मिलने के बाद, तो वहां बाबा रामदेव एवं पतंजलि योगपीठ के संस्थापक आचार्य बालकृष्णन से मिलते हैं और आयुर्वेद को और आगे बढ़ाने के साथ ही साथ साधना और योग को और विकसित करने के लिए देश में चर्चा की है। जैसे कहा जी विभाषु, आज उत्तराखंड के दौरे का आखिरी दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ का, तो कितने बजे प्रस्थान कर सकते हैं वहां से आगरा के लिए? माफ करिएगा, अयोध्या के लिए। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे तो अयोध्या के लिए कितने बजे प्रस्थान कर सकते हैं? क्या वो पहले लखनऊ आएंगे अपने आवास, उसके बाद ही अयोध्या जाएंगे? जी शिखा, आपको बताया कि मुख्यमंत्री सबसे उत्तराखंड से निकलकर और वो लखनऊ आएंगे। अब लखनऊ से उनका एक दिवसीय दौरा अयोध्या रखा गया है, जिसमें तमाम परियोजनाओं की शुभारंभ की जा रही है। साथ ही आपको बताएं कि इस दौरान उनके साथ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी रहेंगे। आपको बताएं कि श्री रामलला विराजमान का दर्शन करेंगे, साथ ही साथ हनुमान गढ़ी में प्रसाद चढ़ाएंगे। वहीं आपको बताएं कि उनके साथ प्रभारी मंत्री अब
अरविंद कुमार शर्मा भी रहेंगे और आपको बताया कि 19,000 करोड़ की परियोजना की समीक्षा करेंगे, साथ ही साथ उसका जो परियोजना वहां लाई गई थी उस पर क्या काम हो रहा है उसकी भी रूपरेखा देखेंगे। और वहीं आपको बताएं कि गुरु गुप्त घाट पे वो महाराणा प्रताप की मूर्ति का भी शिलान्यास करेंगे और इस जो दौरे से आशा आकांक्षाएं लगाई जा रही है कि जो राम मंदिर निर्माण में काम की जो स्पीड है, जो रफ्तार है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है विगत महीने, तो वहां मुख्यमंत्री जाएंगे और तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री के अगर देखा जाए तो ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है रामलला विराजमान का मंदिर बनना, तो वहां का भी जायजा लेंगे और साथ ही साथ वहां की परियोजनाओं के भी जो भी लागू की है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आज हरिद्वार में होटल का लोकार्पण करने के बाद, अतिथि गृह के लोकार्पण के बाद वो सीधा लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और लखनऊ से फिर कल वो अयोध्या जाएंगे जहां पे राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे, रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना के 111 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और पिछले 3 महीने में पिछली बार ऐसा हुआ था जब कोरोना संक्रमितों की संख्या 100 के पार पहुंची थी। वहीं अब पूरे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के संक्रमण से 31 लोगों की मौत हो गई है और 3,205 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें कि 24 घंटे में कोरोना वायरस से 31 लोगों की मौत हुई है, 3,205 नए मामले सामने आए हैं। लगातार तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो लोगों की टेंशन को भी बढ़ा रहे हैं। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, 24 घंटे में कोरोना के 111 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं और पिछले 3 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। 3 महीने से कोरोना के मामले लगातार घट रहे थे, रिकवरी भी तेजी से हो रही थी और संक्रमितों की संख्या भी 100 के पार पहुंची थी और एक बार फिर 100 के पार पहुंची है और इसी को देखते हुए लोग काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करने की भी जरूरत है। एक बार फिर लापरवाही बरतता हुआ हमारा लोगों का समाज नजर आ रहा है जिसको अब एक बार फिर से सतर्क रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है और 3 महीने का रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है कोरोना। इसके ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राहत भरी खबर तो ये है कि जो रिकवरी रेट है वो तेजी से हो रहा है, लेकिन गंभीर विषय ये है कि इस बार कोरोना के मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें बच्चों की संख्या भी काफी ज्यादा है। स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और कोरोना के मामलों की बात करें तो वो तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन भी अपने युद्ध स्तर पर चल रहा है जहां लगभग ज़्यादातर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन भी हो रहा है और 12 साल तक की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है, ज़्यादातर बच्चों का हो चुका है। लोगों को जागरूक भी कराया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, अगली डोज के लिए भी लगातार लोगों से संपर्क करा जा रहा है और अब बात करें छोटे बच्चों की तो उनके लिए भी जल्द ही वैक्सीन आ सकती है और इस बार जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उसमें स्कूली बच्चे ही सबसे ज़्यादा कोविड संक्रमित हो रहे हैं, जिसके बाद अब ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या एक बार फिर से स्कूल बंद हो सकते हैं, क्या एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो सकती हैं बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि बड़ों का वैक्सीनेशन तो हो गया है, उनके लिए बूस्टर डोज भी आ गई है, लेकिन जो छोटे बच्चे उनके लिए फर्स्ट वैक्सीन डोज भी अभी तक नहीं आ पाई है, अभी उस पर प्रशिक्षण चल रहा है, काम चल रहा है। हालाँकि जो कंपनियां हैं वैक्सीन बनाने वाली वो पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए भी वैक्सीन बनाई जा सके और इसी में पूरा देश लगा हुआ है कि जल्द से जल्द छोटे बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ सके, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ रही छोटे बच्चों की या फिर अगर आपको अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगी है तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए एकमात्र उपाय सावधानी ही है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है, अच्छा खाना खाना है, जंक फूड से दूर रहना है। यही तमाम तरीके हैं जिनसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, कोविड से दूर रह सकते हैं। और गाजियाबाद से हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रवीण, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे, 3 महीने का रिकॉर्ड टूटा है, एक बार फिर से क्या कहेंगे?
देखिए आपको बता दूं, गाजियाबाद में लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे, तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि लगातार अभी से पहले जो आ रहे थे मरीज, जो कहीं ना कहीं तो 33-24 इस तरह से मरीज निकल रहे थे, लेकिन इस अब की बार जो निकले हैं 24 घंटे के भीतर जो 111 मरीज निकले हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि दिल्ली और NCR ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लोग यहाँ से आवागमन करते हैं, यहाँ से लोग अपने जॉब के लिए जाते हैं, दिल्ली जॉब करते हैं, फिर वहां से ये आते भी, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर ये चौंकाने वाली बात है। और बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जिस तरह से मरीज निकल रहे हैं, ये भी काफी बड़ी बात है चौंकाने वाली। जी जी, अगर बात करें जो संक्रमित है, तो क्या उनमें एक बार फिर से बच्चों की संख्या ज्यादा है प्रवीण? देखिए हाँ, ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए जो बच्चों की जो दर संख्या थी जो बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनमें अब कमी आई है, क्योंकि 20 जिसकी बात की जाए 13 साल से लेकर जो 20 साल के बच्चे उम्र के लोग हैं, उनमें जो संख्या आई है संक्रमण की वो थोड़ी कम है। और ही अगर बात की जाए 40 साल से 60 साल की, तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं 46 से 55 केसेस ये सामने निकल कर आ रहे हैं इन लोगों के अंदर। जी जी, स्कूली बच्चे लगातार संक्रमित हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए क्या स्कूलों में छुट्टी दी जा रही है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है? देखिए जिन स्कूलों में अगर बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन स्कूलों में खासतौर पे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सैनिटाइजिंग का काम किया जा रहा है, पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो बच्चे जो जिनका रिकवरी रेट जो बढ़ रहा है खासतौर पे जिन बच्चों को, तो उन बच्चों को छुट्टी दी जा रही है, उस स्कूल को भी बंद किया जा रहा है साफ तौर पे कि बाकी जो बच्चे हैं उनमें संक्रमण ना फैल पाए। तो खासतौर पे जो स्कूल है वो ऑनलाइन चल रहे हैं जिन स्कूल में अगर बच्चे पाए जा रहे हैं, बाकी जो चल रहे हैं स्कूल अभी जो खुले हैं जिसमें अभी तक कोई केसेस नहीं सामने आ रहे निकल के, तो वो स्कूल को सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है और वो चल भी रहे लगातार। जी अगर बात करें भीड़ भाड़ की, तो गर्मी भी है जिसकी वजह से लोग दिन में कम निकल रहे हैं, लेकिन सुबह शाम अभी भी भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों का हाल कैसा है, क्या मास्क लगा के लोग निकल रहे हैं? देखिए हमने ग्राउंड जीरो पे रियलिटी चेक किया, तो काफी जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है जैसे कि बाजार हो गए जहां पर लोग सामान लेने जाते हैं, खरीदारी करते हैं, तो खासतौर पे उन लोगों में बहुत से लोग ऐसे हमने देखे हैं जिन्होंने जो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं और खुले में ऐसे ही घूमते हैं, क्योंकि उन्हें डर नहीं सता रहा है, क्योंकि उनको जहां तक जिस तरह से जो मास्क हटा दिया गया था, लोग को बोल दिया गया था कोविड जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो चौथी लहर की जो आशंका जताई जा रही है, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि लोगों को भी इसमें जागरूक होना होगा, आगे से आगे बढ़ चढ़कर अपने बच्चों को लेकर खासतौर पे, या लोगों को और लोगों को जागरूक करना होगा मास्क को लेकर खासतौर पे, सैनिटाइजर को लेकर, कि इनका प्रयोग करें, दो गज की दूरी बना के रखें खासतौर पे। और बात करी जाए अगर दुकानदारों की, जो खरीदार आते हैं दुकानदारों के पास, तो उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, खासतौर पे वो जो ग्राहक आते हैं उनको बताया जाए कि आप अभी जिस तरह से जो कोविड के पेशेंट आ रहे हैं खासतौर पे, जो मामले निकल कर आ रहे हैं, तो इनमें जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं ढिलाई भी है, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आ रही है, लेकिन अभियान जो है वो जारी है। बात की जाए अगर हम CMO की, तो उन्होंने भी टीमें काफी गठित की हुई हैं, गाजियाबाद में कई ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहां पर लोगों को समझाया जा रहा है और उनको बताया भी जा रहा है कि आप लोग अभी दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका प्रयोग करते रहें, इससे ही हम आगे लड़ सकते हैं। जो लोग वैक्सीनेशन जिनकी पूरी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है, वो भी वैक्सीनेशन अपनी करवाएं। जी जी प्रवीण, आपने बताया कि जो दर है संक्रमण की वो 40 से 60 साल के बीच की है, और अभी खबर भी कुछ दिन पहले सामने आई थी कि जो बूस्टर डोज है उसकी समय सीमा भी घटाई जा सकती है, 9 महीने से 6 महीने करी जा सकती है, तो क्या इस पर सरकार विचार कर रही है? जी बिल्कुल, इस पे सरकार खासतौर पे विचार कर रही है, क्योंकि जो रिकवरी रेट है खासतौर पे, अगर संक्रमण निकल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट भी है वो भी काफी बढ़ रहा है, क्योंकि लोग ठीक भी होके आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर सरकार जो बूस्टर डोज की बात करी जाए, तो बूस्टर डोज भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक रामबाण भी बन सकता है, क्योंकि बूस्टर जो डोज जो लगेगा लोगों को, तो कहीं ना कहीं वो जो वैक्सीनेशन लगेगी, तो उससे लोगों में काफी राहत मिलेगी, लोग हो सकता है कि जो संक्रमण है कोरोना जो है ये कहीं ना कहीं समाप्त हो सके। जी, बच्चों के वैक्सीनेशन की बात करें, तो अब तक कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है 12 प्लस से? देखिए अभी जो बच्चों में जो वैक्सीनेशन की जो दर है, अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, तो इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर नहीं आ रहे, क्योंकि लोग जो हैं, बच्चे भी खासतौर पे जो पेरेंट्स हैं वो भी थोड़ा डर रहे हैं इन चीजों को लेकर, क्योंकि कुछ पहले मामले जो स्टार्टिंग में आए थे कि बच्चों के खासतौर पे वैक्सीनेशन के बाद उनको बुखार हो रहा था, उनका बॉडी पेन हो रहा था कहीं ना कहीं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो खासतौर पे अगर पेरेंट्स की बात की जाए, तो वो लोग घबराते हैं खासतौर बच्चों को लेकर, क्योंकि बड़ों में जो है कि बड़े कहीं ना कहीं उस चीजों से डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है, लेकिन बच्चा जो अगर बीमार पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को चिंता हो जाती है। और अगर बात की जाए कि जो कोरोना दर है, तो कहीं ना कहीं अगर दो गज की दूरी मास्क के जरूरी का प्रयोग किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये दर जो है ये कहीं ना कहीं समाप्त भी होगा और कम भी होगा।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़े थे गाजियाबाद से। तो गाजियाबाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, और सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जो कि काफी एक बार फिर से चिंता का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कोरोना को हराने के लिए कोरोना संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना काफी जरूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।